हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज के डेट में मैं आप सबको इंग्लिश अल्फाबेट बताऊंगा। द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट क्या है कि बहुत ही बेसिक है। बेसिक मतलब फंडामेंटल। जो अंग्रेजी अल्फाबेट जान जाएगा वो अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, सभी जगह अल्फाबेट का, इन सब जो लेटर्स हैं उन सब का यूज होता है। इन्हीं से मीनिंग भी बनते हैं, इन्हीं से हमारी ग्लोसरी में से जितने भी शब्द बनते हैं अंग्रेजी के, इन सब वर्डों से मिलके बनते हैं। आपको राइटिंग में, जैसे आपको लिखना है, लिखने में सहायता होगा, पढ़ने में सहायता होगा, तो सभी जगह जितने भी अंग्रेजी है, जितने भी अंग्रेजी के वर्ड्स होते हैं वहाँ पे यूज होता है। इन सब इन ए से लेके जेड तक वर्ड को, जैसे जैसे होता है इंग्लिश अल्फाबेट, द इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इनको, द टी एच ई द ई एन जी एल आई एस एच इंग्लिश, फिर ए L P H A B E T English alphabet। English alphabet। English alphabet means अंग्रेजी वर्णमाला। English alphabet means अंग्रेजी वर्णमाला। जैसे यहाँ पे हिंदी में क्या कहेंगे, अंग्रेजी अ ग्रे जी अंग्रेजी वर्ड माला, अंग्रेजी वर्ड माला, अंग्रेजी वर्ड माला। अब अंग्रेजी वर्ड माला में कितने कितने लेटर्स होते हैं, कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी में, कितने अक्षर होते हैं, 26। 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर कहां से लेके, ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर ही हमारे पूरे अंग्रेजी में, इन्हीं अक्षरों को यूज करके पूरी अंग्रेजी बनी हुई है। जैसे जैसे हमारे जैसे कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से अक्षर हैं, ए बोलो, ए ए ये हुआ, ए ए ये हो गया, ए बोलो ए। उसके बाद क्या करते हैं, बी बी बी। उसके बाद सी सी बोलो, सी। दूसरा तीसरा अक्षर क्या है, सी। उसके बाद डी, उसके बाद ई। ये क्या है, ई। फिर एफ, बोलते जाओ एफ एफ एफ। पहले क्या हुआ, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। एफ के बाद जी। जी ये देखो कैसे बन रहा है, ए ऐसे जी। फिर उसके बाद एच, फिर आई, फिर जे जे। अब क्या हुआ, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे। जे के बाद क्या आएगा, के। कैसे लिखेंगे, के के। फिर एल, मेरे साथ बोलते जाओ आप सब भी। क्या हुआ, पहले ए, ए बोलो, ए ए, फिर बी बी, फिर सी सी, फिर डी डी, ई ई, एफ G G H H I I J J K K L L M M। अब लिखा जाए कहाँ, M M, फिर N फिर N N। देखो सही से बनाओ कैसे बनता है, N A N। ये बना क्या है, N।
अब फिर से पढ़ो देखो ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच एच आई आई जे जे के के एल एल एम एम एन एन ओ ओ ओ ये देखो ओ ऐसे लिखा जाता है जीरो से जीरो जैसा रहता है बट ये बड़ा साइज का होता है एक क्या था ओ अब फिर से बोलो ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच एच आई आई डे डे के के एल एल एम एम एन एन ओ ओ पी पी यहाँ देखो कैसे लिखा जा रहा है पी पी के बाद क्यू पी के बाद क्या होता है क्यू आता है क्यू क्यू के बाद आर आर बोलो जोर से बोलो आर 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 पी के पी फिर क्यू फिर आर पर फिर क्या होगा एस 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 अब फिर से ऊपर से फिर दोहराओ पहले क्या बोलेंगे ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर एफ फिर जी फिर एच फिर आई जे के एल एम एन एन ओ ओ पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी टी कैसे लिखा जाएगा ऐसे टी है ये क्या है टी अब फिर से बोलो टी के बाद क्या आएगा क्यू क्यू टी के बाद क्या आएगा अब फिर से ऊपर से एक बार से फिर बोलो जैसे ए ए बी बी सी सी डी डी E E F F G G H H I I J J K K L L M N O O P P Q Q R R S S T T U U V W W X X Y Y Z Z अब क्या आंसर है T के बाद क्या आएगा U U बोल जोर से बोलो क्या आएगा U U U V उसके बाद क्या आएगा V V देखो V कैसे लिखा जाएगा ये है V U फिर V फिर उसके बाद W उसके बाद U V फिर W U U U के बाद क्या आएगा V V को थोड़ा सा और सही से बनाते हैं कैसे बनाते हैं ये देखो एक इधर एक क्या आ गया U उसके बाद V फिर W फिर क्या आएगा X X देखो कैसे बनता है एक इधर से वो बन गया X ये क्या है X फिर Y अब यहाँ क्या आएगा Y इधर से नीचे थी तो ये क्या बन गया Y X फिर Y फिर यहाँ आ जाएगा क्या यहाँ पे बीच में Z ये हो गया Z अब क्या है इंग्लिश अल्फाबेट अंग्रेजी वर्ड वाला में अब हम फिर से पढ़ते हैं एक बार फिर से दोहराते हैं फिर ए ए फिर बी बी फिर सी फिर सी फिर डी फिर डी फिर ई फिर ई एफ एफ जी जी एच एच आई आई जे जे के के एल एल एम एम एन एन ओ ओ पी पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी टी U V V W W
कितने अक्षर है? 26। अब 26 अक्षर है जितने हम मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ये 26 अक्षर हैं कि नहीं है इनको हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि वन, इसको लिखते हैं वन, एक काउंट करते हैं एक वन, फिर यहाँ इसको दे देते हैं टू, यहाँ देते हैं थ्री, यहाँ करते हैं फोर, यहाँ करते हैं फाइव, यहाँ करते हैं सिक्स, यहाँ करते हैं सेवन सेवन, फिर यहाँ करते हैं बोलते हैं एट, फिर नाइन, फिर टेन, फिर इलेवन, इलेवन वन वन रहेगा यहाँ पे रहेगा इलेवन, इलेवन के बाद यहाँ पे ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाद यहाँ पे थर्टीन, यहाँ पे कितना होगा फोर्टीन, यहाँ पे कितना होगा फिफ्टीन, यहाँ सिक्सटीन, जोर से बोलो, यहाँ पे सेवेंटीन, यहाँ पे एटीन, यहाँ पे नाइनटीन, नाइनटीन वन और नाइन हो गया नाइनटीन, यहाँ पे ट्वेंटी, टू जीरो ट्वेंटी, यहाँ पे 21, बोलो जोर से बोलो 21, यहाँ पे 22, यहाँ पे 23, यहाँ पे 24, यहाँ पे 25, जोर से बोलो 25, यहाँ पे 26। अब क्या हुआ, हम काउंट आसानी से कर लेंगे। अब 26 इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं? इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं। इन्हीं 26 अक्षरों से हमारी सारी इंग्लिश बनी हुई है, सारे इंग्लिश के वर्ड बने हुए हैं, सारे इंग्लिश के वाक्य बने हुए हैं, सारे इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस हैं सारे सेंटेंसेस बने हुए हैं, सारी स्टोरीज बनी हुई, जितने भी इंग्लिश में वर्ड होते हैं, जितने भी इंग्लिश में यूज हो रहे हैं इंग्लिश के वर्ड सेंटेंसेस शब्दों, उन सब में सभी में ये क्या है 26 अक्षर यूज हुए हैं। 26 अक्षरों को मिलाकर ही हमारी अंग्रेजी पूरी बनी हुई है। कौन कौन से अक्षर हैं ये सब? वन, हम देखो यहाँ पे पढ़ा दिए, वन से लेके काउंट भी करा दिए कितने 26 होते हैं। अगर कोई गलती होता है तो यहाँ पे 26 नहीं आता, कोई अक्षर मिसिंग होता, कोई अक्षर छूट गया होता तो इसमें नहीं आता। इसलिए यहाँ पे हम फिर से एक बार बोलते हैं, एक बार काउंट कर लो, क्या हुआ, ए वन हुआ, फिर बी टू हुआ, फिर सी थ्री हुआ, जोर से बोलो ए वन, ए वन, ए, ए को हम वन काउंट करते हैं, बी को टू काउंट करते हैं, सी को थ्री काउंट करते हैं, डी को फोर काउंट करते हैं, ई को फाइव काउंट करते हैं, सिक्स को एफ को सिक्स काउंट करते हैं, फिर जी को सेवन काउंट करते हैं, फिर एच को एट काउंट करते हैं, फिर आई को नाइन काउंट करते हैं, फिर जे को टेन काउंट करते हैं, के को इलेवन काउंट करते हैं, एल को ट्वेल्व काउंट करते हैं, एम को थर्टीन काउंट करते हैं, एन को फोर्टीन काउंट करते हैं, ओ को फिफ्टीन काउंट करते हैं, पी को सिक्सटीन काउंट करते हैं, पी को सिक्सटीन काउंट करते हैं। ये बहुत ही काउंटिंग हमें जानना बहुत जरूरी है कि किसको क्या क्या काउंट करते हैं। इलेवन को हम के को इलेवन काउंट करते हैं, एल को ट्वेल्व काउंट करते हैं, एम को थर्टीन काउंट करते हैं, एन को फोर्टीन काउंट करते हैं, ओ को फिफ्टीन, ओ जैसे कोई पूछ लिया बी कितने नंबर पे है, बी टू नंबर पे है, कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, ए वन एक कितने नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, और सी कितने नंबर पे, थ्री नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, थर्ड बोलो या थ्री नंबर पे बोलो, थ्री नंबर पे हमारा, डी कितने नंबर पे है, फोर नंबर पे है, डी के बाद एफ है, एफ कितने नंबर पे है, फाइव। ये बहुत जरूरी है, जितने भी वर्ड है उस वर्ड को ई ई ई कितने नंबर पे है, फाइव, गलती हो गए जो एफ मैंने बोल दिया, ई कितने नंबर पे है, फाइव, और एफ कितने नंबर पे है, सिक्स। ए भी याद करो, ऐसा होना चाहिए जितने भी वर्ड है हमारे ए से लेके जेड तक है, जेड कितने नंबर पे है, 26, मतलब 26वां जो वर्ड है वो जेड है, जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा कितने नंबर पे है, 26वें अक्षर पे है। अब फिर से काउंट करते हैं, ए कितने पे है, वन पे है, फर्स्ट नंबर पे, बी कितने पे है, टू पे है, सी कितने पे है, थर्ड नंबर या थ्री नंबर पे,
फिर डी कितने पे है? फोर नंबर पे। ई कितने पे? फाइव नंबर पे। एफ कितने पे? सिक्स नंबर पे। जी कितने है? बोलते जाओ, आप सब बोलोगे तभी, जितने बार बोलोगे उतनी बार आपको रिपीट होगा, ए कभी नहीं भूलोगे। इसको जरूर देखो और एक एक अक्षर को जानो कौन कौन से नंबर पे है, नंबर जानना बहुत जरूरी है। जी कितने पे है? सेवन। फिर ई कितने पे है? एच कितने पे है? आठ नंबर पे है। फिर आई कितने पे है? नौ। फिर जे कितने पे है? टेन। जोर से बोलो टेन। और के कितने पे? 11 नंबर पे। एल कितने पे? 12 पे। एम कितने? 13 नंबर पे। एन कितने? 14 पे। ओ कितने पे? 15 पे। पी कितने पे? 16 पे। क्यू कितने पे? 17 पे। आर कितने पे? जोर से बोलो आर कितने पे? 18 पे। एस कितने पे है? 19 पे। टी कितने पे है? 20 पे। यू कितने पे है? 21 पे। डी कितने पे है? 22 पे। डब्ल्यू कितने पे? 23 पे। एक्स कितने पे है? 24 पे। वाई कितने पे है? 25 पे। जेड कितने पे है? 26 पे। पूरे वर्ड हमारे क्या हुए? द इंग्लिश अल्फाबेट। द इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला द इंग्लिश अल्फाबेट। द इंग्लिश इंग्लिश में बोलते हैं, क्या करते हैं? द इंग्लिश अल्फाबेट। द इंग्लिश अल्फाबेट वो कितने उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला समझ में आया आप सबको? yes. समझ में आया? yes. हाँ, अगर समझ में आया तो इस सबको एक एक पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अगर हम पूछें कि आई कितने नंबर पे है, इन सबको मिटा दे तो बता दोगे कितने कितने नंबर पे? काउंट करके बताना होगा आप सबको। मिटा दें? रुको, मिटा करके मैं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से नंबर पे है, काउंट कर करके बताना है सभी को। सभी को बताना है, किसी को जो भी पढ़ो वो ध्यान से पढ़ो और सबको बताना है। यहाँ पे मैं नंबर मिटा दे रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, आप सब लोग काउंट कर लो, पढ़ लो कैसे 1 2 3 4 5 जैसे 1 2 पढ़ते हो उसी तरीके से इसको काउंट काउंट करके बताना है। अब सब मैंने जो भी मैं नंबर लिखा था, जो न्यूमेरिक नंबर थे, उन सबको मैं मिटा दे रहा हूँ। उन सब न्यूमेरिक नंबर को मिटा दे रहा हूँ। जो लेटर है, जो अक्षर है, उनको छोड़ दे रहा हूँ। अक्षर को मैं छोड़ दे रहा हूँ, जो न्यूमेरिक नंबर मैंने लिखा था उसको हटा दे रहा हूँ, उसको रिमूव कर दे रहा हूँ, उसको हटा दे रहा हूँ, उसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब जो है हमारे लेटर, जो अक्षर हैं, अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में लेटर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेटर। लेटर बोलते हैं, लेटर मीन्स अक्षर, हिंदी में अक्षर होते हैं। अब इन्हीं को अगर अंग्रेजी में बोलेंगे क्या बोलेंगे? लेटर। लेटर मीन्स अक्षर। और हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में अक्षर बोलेंगे, अंग्रेजी में लेटर बोलेंगे। और ये जो एक से जेड तक है इनको इंग्लिश अल्फाबेट बोलेंगे, और हिंदी में बोलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला। वर्णमाला अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला, इंग्लिश मीन्स है अंग्रेजी। एक ए एल पी एच ए बी अल्फाबेट के स्पेल ई एन जी एल आई एस इंग्लिश। ए डी कंसोनेंट लगा डी जो यूज होता है, ये किसमें यूज होता है? ए और एन और डी होता है, तीन होते हैं जो यूज होते हैं इसमें। चलो चलो उसके आगे उसको छोड़ो, बाद में बताएंगे। अभी अभी जो इसको है, अब काउंट करके बताओ एच एच कितने नंबर पे है? जल्दी जल्दी काउंट करो, लेट ना करो, जल्दी जल्दी काउंट करो। कितने नंबर पे है? एट। कैसे काउंट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 एट नंबर पे आ गया ना। एच कितने नंबर पे है? एट। यहाँ पे हम लिख देते हैं एट, लिखे एट लिख देते हैं। एच कितने नंबर पे है? एट। एट नंबर पे। अब जल्दी जल्दी काउंट करे रहो प्लीज, काउंट का कौन सा पूछना है मुझे, सब लोग को बताना है, तो जल्दी जल्दी काउंट करो। काउंट करो आई कितने, जे कितने नंबर पे है? टेन नंबर पे है ना, तो टेन नंबर कैसे काउंट किया? जल्दी जल्दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
दस नंबर पे क्या है? टेन। कितने नंबर पे होता है? दस नंबर पे। टेन के जो है वो कितने नंबर पे है? टेन नंबर पे। दस हिंदी में बोलो दस। और इसके बाद एन, एन कितने नंबर पे है? एन बोलो कितने नंबर पे है? फोर्टीन। फोर्टीन नंबर पे कैसे काउंट किया? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन। फोर्टीन मीन्स चौदह। चौदह नंबर पे क्या है? एन। एन का नंबर कितने पे है? चौदह नंबर पे है। फिर एक्स कितने नंबर पे है? ट्वेंटी फोर। कितने नंबर पे है? 24। 20, 25, 26। ये कितने नंबर पे है? 24 नंबर पे है। ऐसे देखो, ये बहुत जरूरी है कि काउंटिंग भी आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब से हमारा जो मैथमेटिक्स में भी कुछ बनते हैं, जो काउंटिंग के लिए आते हैं कुछ वर्ड बनते हैं। तो आप सबको ये जो अंग्रेजी वर्ड माला है, अंग्रेजी वर्ड माला तो आ गया ना, आसानी से आ गया। और कैसे काउंट करते हैं, किस किस नंबर पे है, किस किस पोजीशन पे कौन कौन सा अक्षर है, उन सब का ज्ञान हो गया। yes. आप सबको ऐसा कई बार मैंने पढ़ाया, इससे आप सबको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई ना? no. याद हो गया? अगर हम दोबारा का पूछेंगे कभी तो बताना पड़ेगा, कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, अब मिटा दें इसको। चलो मिटा दे रहे हैं।